हेलो दोस्तों, सबका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेटिंग फैंटेसी पर। तो दोस्तों, इस पर आप देख रहे हैं इसी स्टीटन क्रेफिल का जो यहाँ पर 29वां मैच खेला जाने वाला है, TVNTBA वी लेमगो वर्सेस बेयर बूस्टर्स के बीच में उसके मैच प्रीव्यू स्टेट्स एनालिसिस। तो गाइस, यहाँ पर मैच के प्रीव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि अगर आपको फाइनल टीम्स चाहिए तो आपको ऑब्वियसली हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम पर जाके टारगेटिंग फैंटेसी लिख के सर्च कीजिए और हमारे ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में गाइस, अगर आपको टेलीग्राम की लिंक चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस, देर किस बात की, आप अभी के अभी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर दीजिए। अब मैच की बात करें तो गाइस, कल दो मैच होगा, एक है दोपहर 12 बजे, एक है दोपहर 2 बजे। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, वेन्यू रहने वाला है बेयर इवरेन डिनगेन क्रिकेट ग्राउंड क्रेफेल जर्मनी में, मतलब जहाँ पर सारे मैचेस हो रहा है। वेदर बिल्कुल क्लियर रहने वाला है। तो गाइस, पिच रिपोर्ट की बात करें, पिच रिपोर्ट उतना खास कुछ नहीं है, क्योंकि गाइस आप सभी लोग जानते हैं कि टीटीएन लीग पर कैसा पिच रहता है, कि हमेशा के लिए एक मैट रहता है उसके ऊपर ही मैच होता है। और यहाँ पर अच्छे खासे रन भी बन सकते हैं और साथ में यहाँ पर विकेट्स भी निकल सकते हैं। और यहाँ पर एवरेज स्कोर देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कम है 85 तक, लेकिन यहाँ पर देखिए विकेट्स बहुत ज़्यादा गिरेंगी, लेकिन 100 तक भी स्कोर पर जा सकते हैं। और गाइस, आज के मैच प्रेडिक्शन के बारे में बात करें, एलियम 50% विनिंग चांसेस, BYB 50% विनिंग चांसेस। तो दोनों टीम के रिसेंट स्टैट्स को देखते हुए दोनों की विनिंग रेशियो जो है वो लगभग सेम ही है, तो किसी भी टीम उतना ज़्यादा आगे नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कॉम्बाइन करके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको यहाँ पर टीम बनाना पड़ेगा। आप किसी भी टीम की फेवर में वन साइडेड नहीं जा सकते, आपको बेसिकली यहाँ पर जो है दोनों टीम को प्लेयर्स को ठीक से चुनना है, और 6-5 या फिर 5-6 के कॉम्बिनेशन के साथ आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। आप 7-4 के साथ भी जा सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर ही है, आप चाहो तो 7-4 भी जा सकते हो। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे दोनों टीम की प्रॉबल प्लेइंग एक्स ही क्या रहेगा, उसी के साथ एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकते हैं, साथ में और कौन से प्लेयर आपके स्मॉल लीग और गैंडी की टीम पर बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। तो भाई, सबसे पहले एलियम की तरफ से बात करें, रोमल बरकजई ओपनिंग करने वाले हैं रिजवान बाबर के साथ। देखिए गाइस, रिजवान बाबर बेहतरीन फॉर्म में है, 2 मैच पर 30+ रन बनाया, लास्ट जो 2 मैच खेले 30-36 रन। और रोमल बरकजई 1 मैच पर 34, दूसरे मैच पर 6 रन बनाया। तो रोमल बरकजई को आप ड्रॉप कर सकते हो लास्ट मैच फॉर्म के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि देखिए दोनों ही जो पहला मैच खेले थे वहाँ पर 30 रन बनाए थे, 30+ रन बनाए थे, तो इसलिए दोनों ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि बरकजई लास्ट मैच पर थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर से एक बार आपके लिए बेस्ट चॉइस में रहना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, नंबर 3 की बात करें, मुदस्सर इकबाल 11-0 और विकेटलेस। तो दोस्तों देखिए, वन डाउन आ रहा है बैटिंग करने, साथ ही साथ बॉलिंग भी थोड़ा बहुत कर रहा है, तो इसलिए मुदस्सर इकबाल भी आपके लिए एक बड़े ऑप्शन रहने वाले हैं इस मैच में। टू डाउन आएंगे देखिए, किशन टन राजेंद्रन विकेट कीपरिंग सेक्शन पर रहेगा, 8 रन बनाया लास्ट मैच में, मतलब क्या है कि विकेट कीपर है, साथ में नंबर 4 में बैटिंग करने आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, आप चाहते हो इनको पिक कर सकते हो। नंबर 5 पर आ सकते हैं दलजीत सिंह, जो कि एक अच्छा ऑलराउंडर है, जो पहले T20 लीग खेला था वहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंस दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि लास्ट मैच पर 4 रन और साथ में 1 विकेट निकाला। साफिर रहमान 5 रन बनाया नंबर 6 पर बैटिंग करके, उतना बढ़िया चॉइस आपके लिए नहीं रहने वाला, क्योंकि गाइस देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि नंबर 6 पर बैटिंग तो कर रहा है, लेकिन बॉलिंग करने का कोई चांसेस नहीं है, तो इसलिए आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हो। और नंबर 7 पर आएंगे थोसिता रत्नायके, 0 रन 0 विकेट, ठीक ठाक है, लेकिन बॉलिंग कर रहा है, ये अच्छी बात है। नंबर 7 में आके एक प्रॉपर ऑलराउंडर की जगह खेल रहा है, तो आप चाहते हो इनको थोड़ा सा डिफरेंशियल पिक में रख सकते हो, नहीं तो आप बिल्कुल ड्रॉप कर देना, क्योंकि देखिए रिसेंट मैच का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहे, बैटिंग मिले और बॉलिंग मिले, कॉन्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह की नहीं रहे। नंबर 8 पर आएंगे बाला गणेश रमेश कुमार, 2 रन 10 रन 1 विकेट है, अच्छा चॉइस रहेगा आपके लिए। अक्षय गुप्ता, इनके बात कुछ अलग है, क्योंकि देखिए नंबर 9 में बैटिंग करने आए और वहाँ पर आके 42 रन मारकर गए। तो बस देखिए, मेरी सबसे ऐसे प्लेयर्स को थोड़ा सा ऊपर भेजना चाहिए, ताकि टीम की स्कोर और ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपके लिए भी मस्ट पिक रहने वाले इस मैच के लिए। नंबर 10 की बात करें, अजीज भट्टी कैप्टनसी कर रहे अपनी टीम के लिए, 18 रन 2 रन 1 मैच में बॉलिंग करके 1 विकेट निकाला। अंकित तोमर 3 विकेट निकाला। तो दोस्तों, यहाँ पर बेस्ट चॉइस कौन कौन से प्लेयर रहने वाले एलियम टीम की तरफ से, सबसे पहले यहाँ पर नाम आने वाले हैं देखिए, रोमल बरकजई, रिजवान बाबर, दलजीत सिंह, बाल गणेश रमेश कुमार, अक्षय गुप्ता है, यहाँ पर 5 चॉइसेस, उसके साथ अंकित तोमर और अजीज भट्टी, तो ये 7 प्लेयर्स आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। तो आपको इनमें से ही 4, 5, 6, 7 जितने चॉइस चाहिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग पर आप रख सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग के लिए आपको बेहतरीन है कि आप सेफ ही जाना।
तो दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरी टीम की तरफ, BYB की। देखिए इनके बारे में हम बात करेंगे प्रॉपर प्लेइंग से क्या रहने वाला है, उसके साथ एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है, प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर अच्छा है, बेस्ट है आपके लिए स्मॉल विकेट पर, मस्ट विकेट रखना चाहिए। तो वैसे देखिए यहाँ पर सकसनाथ इंद्रन विकेट कीपरिंग सेक्शन पर ओपनिंग करने वाले हैं, आरिथरन वसीकरण के साथ, जो कि दो आपके लिए उतना बढ़िया चॉइस नहीं है, क्योंकि देखिए सकस्तन इंद्रन जो है विकेट कीपरिंग सेक्शन पर रहने वाले हैं, तो इसलिए आप इनको पिक कर सकते हो, क्योंकि देखिए दूसरे टीम का जो विकेट कीपर था वो नंबर चार पर बैटिंग करने आते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंद्रन जो है विकेट कीपर है और ओपनिंग करने आ रहा है। तो जैसा कि हमने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि डोमेस्टिक लीगों में, टी10 लीगों में जो विकेट कीपर पहले बैटिंग करने आए आप उनको पिक कर लो। हालांकि जो प्लेयर्स नंबर चार या पाँच पर है एक आध मैच पर अच्छा भी कर दे, लेकिन फिर भी आपको ओपनर के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास चांसेस ज़्यादा रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आरिथरन वसीकरण 0 रन 12 रन 0 विकेट 2 विकेट, तो ठीक ठाक सोर्स आपके लिए रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों साइड से आपको कॉन्ट्रीब्यूट करके जा सकते हैं। नंबर तीन की बात करें, राजा कुला सिंघम थीनेस 11-33, बड़े चॉइस होगा आपके लिए, वन डाउन आ रहा है, डाक के बल्लेबाज है, साथ में यहाँ पर बॉलिंग भी थोड़ा बहुत करते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बॉलिंग नहीं करे, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर भी आपके लिए अच्छा चॉइस है, क्योंकि लास्ट मैच का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। और नंबर चार बल्ले जो है महिंथा महेंद्रन कैप्टनसी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, 28 रन 1 विकेट, तो आपके लिए बढ़िया चॉइस रहेगा, कैप्टनसी बस के लिए भी ठीक ठाक है, क्योंकि देखिएगा इस बैटिंग में 28 रन उसके साथ बॉलिंग करके 1 विकेट, मतलब क्या है यहाँ पर भी समझ ली कि 60+ पॉइंट्स देकर ऑलरेडी चले गए। नंबर पाँच की बात करें थिवाकरन आरिथरन 36 रन 2 विकेट और 1 विकेट, तो गाइस ये आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है इस मैच के लिए, बॉलिंग करके बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया। नंबर छः की बात करें फकीरथरन प्रभा 1 विकेट 0 विकेट है। नंबर सात पर आने वाले जनार्थरन मणि 2 रन किया है लास्ट मैच पर। श्रीकांत त्रोलीकोंडा 2 विकेट 0 विकेट है। संजीवन विग्नेश 2 मैच पर 1 विकेट और 2 विकेट 3 विकेट निकाला, ठीक ठाक चॉइस आपके लिए रहेगा जो बॉलर। और नंबर 10 और 11 में जो आ रहा है ई दयानंदन, साथ में यहाँ पर जे दिनवरन, मतलब ये दोनों का बिल्कुल ड्रॉप कीजिए, लास्ट मैचेस का कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करे। तो दोस्तों यहाँ से हम देख लेंगे BYB टीम की तरफ से कौन कौन से प्लेयर फिलहाल आपके लिए स्मॉल की टीम पर या फिर गैनली की टीम पर बेस्ट और सेफ चॉइसेस पर रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले नाम आने वाले जगह विकेट कीपर की जो है सकसनाथ इंद्रन विकेट कीपर सिस्टम पर रहेगा, बढ़िया चॉइस होगा आपके लिए। आरिथरन वसीकरण रहने वाला है। राजा कुलसिंघम थीनेस एज ए बैटर पर बढ़िया चॉइस हो सकता है आपके लिए। महिंथा महेंद्रन थिवाकरन आरिथरन, तो गाइस ये पहला जो टॉप पाँच है मेरे हिसाब से इन पाँचों को ही आपको पिक कर लेना चाहिए, क्योंकि पाँचों का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, कोई भी अगर बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई तो यहाँ पर बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसलिए ऐसे प्लेयर्स को आपकी टीम पर रखना ही रखना पड़ेगा। दोस्तों अब हम देखेंगे कौन से एक्स्ट्रा चॉइसेस है, संजीवन विग्नेश श्रीकांत थ्रोलीकोडा, तो वैसे ये सात आपके लिए बढ़िया चॉइस हो सकता है इस मैच के लिए BYB टीम की तरफ से। तो वैसे अब हम देख लेंगे स्मॉली के लिए बेस्ट कैप्टन बैस कम चॉइस पर कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं। रिजवान बाबर, थिवाकरन आरिथरन, महिंथा महेंद्रन, अंकित तोमर, ये चार आपके लिए स्मॉली की टीम पर डिफॉल्ट और कॉमन कैप्टनसी और वाइस कैप्टन चॉइस पर रहने वाले हैं। उसके साथ दोस्तों ग्रैंड लीग चॉइसेस की बात करें, बला गणेश रमेश कुमार, थीनेस राजा कुला सिंघम, सकसनाथ इंद्रन, संजीवन विग्नेश, श्रीकांत थोलीकोंडा, ये पांच आपके लिए ग्रैंड लीग पर बढ़िया हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट टीम की, तो ये तो गई आपके लिए स्टैट्स एनालिसिस की बात, अब हम डेवलप की तरफ चलेंगे, वहाँ पर हमने फिलहाल स्मॉली का एक डेमो टीम बनाकर आपको दिखाएंगे, लेकिन गाइस फाइनल टीम जो होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही पता रहेगा, तो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों टेलीग्राम के पीछे ज्वाइन करने के पीछे एक और इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि जो मैचेस हम वीडियो के थ्रू कवर नहीं कर पाते उसके टीम्स हम देने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से, तो इसलिए आपको अगर हर एक मैच का टीम चाहिए तो आप अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर फिलहाल आपके लिए दो प्लेयर्स मिलेंगी, एस इंद्रन राजेंद्रन, तो एस इंद्रन ही रहेगा हमारे टीम पर, के राजेंद्रन को आप ड्रॉप कर सकते हो, ग्रैंड लीग पर ले लेना, एस इंद्रन ओपनिंग करके बैटिंग करेगा। आर बरकजाई, एम महेंद्रन, साथ में पर आर बाबर, ए वसीकरण, चार टॉप बैटर चॉइस हमारे टीम पर रहने वाला है। ए गुप्ता, जे मणि, ई दयानंदम आपके लिए ग्रैंड लीग पर बढ़िया हो सकता है इस मैच के लिए। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे, टी आरिथरन, एम इकबाल, साथ में पर राजा कुला सिंह है, ये रहने वाले हैं। ए वट्टी, डी सिंह आपके लिए ग्रैंड लीग पर बढ़िया हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको हर वीडियो में ही बताता हूँ कि T10 लीग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स को ही लेना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर उतना बढ़िया ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आप चाहो तो इनको ड्रॉप करके ग्रैंड लीग पर ट्राई कर सकते हो। फिलहाल आपके लिए तीन ऑलराउंडर बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं। बॉलिंग की बात करें दोस्तों, पी प्रभा,
उसके साथ देखिए बी रमेश कुमार और साथ में रहने वाले ए तमर, और बाकी देखिए जी दिनुसन, एस रहमान, टी रत्नायके, एस विघ्नेश, एस थलीकोंडा आपके लिए ग्रैंड लीग पर बड़े चॉइस बन सकते हैं इस मैच पर। तो गाइस फिलहाल कैप्टनशिप मैच के चॉइस के बारे में बात कर लेते हैं। टी हरिथरन सेफ कैप्टन, उसके साथ आर बाबर से वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। टीम सेव करके प्रीव्यू आपको दिखाते हैं, प्रीव्यू थोड़ा सा ग्रैंड लीग पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर विकेट कीपरिंग सिस्टम पर रहने वाले हैं एस इंद्रन, बैटिंग में है ए भस्सीकरण, महेंद्रन, बरकजई और आर बाबर, रिजवान बाबर। ऑलराउंडर्स पर रहने वाले हैं राजा कुला सिंह, एम इकबाल, टी हरिथरन। बॉलिंग में रहने वाले फिलहाल देखिए ए तोमर, प्रभा और रमेश कुमारन। तो कैसे पर कैप्टनशिप वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में बात करें, टी हरिथरन कैप्टन और आर बाबर वाइस कैप्टन रहने वाले सेफ चॉइसेस। आप ग्रैंड के लिए यहाँ पर अवेश ट्राई कर सकते हो एम इकबाल, राजा कुला सिंह, ए तोमर, बरकजई, महेंद्रन और एस इंद्रन। तो कैसे ये छः चॉइस आपके लिए ग्रैंड लीग में भी बढ़िया चॉइस बन सकता है इस मैच के लिए। दोस्तों फिलहाल ये रहेगा आपके लिए एक स्मॉल लीग का डेमो टीम। फाइनल टीम के लिए आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और कैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए और एक अच्छा सा टीम बनाइए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।